ऑलराइट, माय नेक्स्ट गेस्ट फॉर टुनाइट इज, जिसे मैं बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ. मैं जब भी टीवी देखना चाहूंगा और कॉमेडी अगर समझो देखना चाहूंगा तो मैं इन्हीं की देखना पसंद करता हूँ. मैं तो इन्हें बादशाह ऑफ कॉमेडी कहता हूँ. प्लीज वेलकम माय वेरी गुड फ्रेंड, मेरे बड़े भैया कृष्णा. हेलो गाइस. और ऐसा होता है जब गेस्ट आते हैं शो पे तो ऐसी तारीफें करनी पड़ती है. लेकिन मैं सच्ची बताऊं, जैसे लोगों को ना सुसू आता है, ऐसे मुझे बहुत जोर से प्रैंक आया है. तो मैं बहुत एक्साइटेड हूं यार आज. ऑलराइट, सो हम यहां पर मुंबई में एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं. तो यहाँ पर तुम देख सकते हो बहुत सारे गेस्ट आए हैं. यू कैन स्पॉट एनीवन जिसके साथ तुम ये गेम शो खेलना चाहते हो. एनीवन. ये वाले तो मुझे थोड़े से ठीक ठाक नहीं लग रहे हैं. ये तो बहुत ही ज्यादा सीरियस है तीनों. अच्छा, ये वाली लड़की. हाँ. ये वाली मुझे शक्ल से थोड़ी गुन्नी टाइप. गुन्नी समझते हो ना? गुन्नी मतलब? मतलब थोड़ी शाइनी भी है और थोड़ी सीधी भी लग रही है. अच्छा वैसा. हाँ, तो okay. मेरे ख्याल से ये सही नहीं रहेगी. चलो फिर एक काम करते हैं. हमने क्या किया कि एंट्री पे सारे गेस्ट के नंबर्स पहले से लेकर रखे. सो आई हैव वो नंबर. अरे इसका नंबर है? हाँ, हाँ, हाँ. अरे वाह, ये होता है शो. देखिए सारी लड़कियों के नंबर है हमारे पास. हाँ लगा 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 उसने फोन लगा उसको. हेलो. Hello, hi Amrit, this is Jay Bhanushali. Please don't react, you are in a hidden camera prank reality show. And do you want to win 10,000 rupees, a mobile phone and a all expenses paid trip? If yes, then scratch your nose. Alright Amrit, come to the PCR, our waiter is gonna escort you. Cocktail. Is really nice. Cocktail thing, huh? Yeah. Haan, usse baat ghuma di. Usse immediately baat ghuma di. Hi Amrit, this is Jay Bhanushali and that's our guest for tonight, Krishna. Very good. जैसे वो क्या कहते हैं, जौहरी को हीरे की परख होती है. बिल्कुल. हम दोनों को परख हो गई आपकी. Fantastic. तो बहुत ही सिंपल सा गेम शो है. यू जस्ट हैव टू फॉलो व्हाट कृष्णा इज सेइंग. जितने भी ऑर्डर्स देते रहते हैं आपको उसे कंप्लीट करना है. अगर सारे के सारे ऑर्डर्स अगर आपने कंप्लीट कर लिए सो यू विल विन ऑल द प्राइजेस. सो आर यू रेडी फॉर इट? मेरी दोस्ती तो नहीं टूट जाएगी ना? नहीं. अरे नहीं, ऐसे कैसे, हम तोड़ के रहेंगे. कोशिश करेंगे कि टूटे. थैंक यू सो मच. गो बैक. गो बैक टू यू. गुड लक. गुड लक. गुड लक. ऑलराइट, चलो फिर रेडी है? अरे मैं एक्साइटेड हूं यार. उसके कान में हमने इनिया डाल दिया है. सो राउंड वन इज अकेले हम अकेले तुम एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. अगली आवाज कृष्णा की है. आपको एक मिनट में 10 बार डार्लिंग बोलना है. कोई भी स्टोरी बना लीजिए, डार्लिंग आपको उसमें 10 बार बोलना है. सी डार्लिंग, आई विल टेल यू व्हाट, मेरे साथ चल, मैं तुझे बहुत ही परफेक्ट शॉप लेकर चलूंगी. पूल पार्टी के लिए थोड़ी डार्लिंग थोड़ी तो अच्छी. दूसरा आ गया यार. पर मैं क्या बोलूं गंदी. आई हैव अ ड्रेस, आई हैव अ नाइस ड्रेस यार. डार्लिंग मेरी पूल पार्टी के लिए. तीसरा. डू नॉट वांट टू डू दैट. वी विल गेट अ मैम. इज देयर एनीथिंग आई कैन गेट यू? डार्लिंग तो माथे पे चूम भी लो ना एक बार. प्लीज मेरा बड़ा मन है. और बीच में चूमना जहाँ तेल गिर रहा है. अच्छा बीच में. एनीथिंग एंड करना पड़ेगा अमृत. शुड आई गेट इन टू ग्लासेस? जाना है ना, पेट ट्रिप चाहिए ना. छह सात आठ हो गया. मम्मी पत्ती. आई वांट टू किस यू. उसको बोलो कि तुमने ये अपने जुओं का घर क्यों उजाड़ दिया. जो तुमने अपने जुओं का घर उजाड़ा है उनके लिए मैं घर बनवा के दूंगी तुम्हें. ओके डार्लिंग. हाँ दो दो दो. सुपर. क्या ये स्ट्रिप? छोड़ छोड़ सॉरी. इसकी गंजी है. आज नहीं दिख रहा. अरे मैंने बोला था टेबल पे पानी गिरा, तुमने उस पर डाल दिया पानी. Wrong with you, यार अमृत. I thought थोड़ा pool party का थोड़ा, I mean थोड़ा teaser दे दूँ. Pool party में यही सब होने वाला है. Seriously? मजाक है. अच्छा जय. हाँ. मैं आज first time बता रहा हूँ television पे. मेरे पास चोरी के चम्मच और fork का collection है. तो नहीं, ये सब बात क्यों कर रहे हो अचानक से? नहीं नहीं, मेरे दिमाग में एक idea आया है. अच्छा अमृत, आपको अपने टेबल के चम्मच और फोक अपने पर्स में डालना है. मैं तेरे को नहीं संभाल सकती. खाली पेट तो मैं वैसे भी हूँ. हाँ, तो कुछ और ले लेना. सो लेट्स हैव पीच आइस टी. हेलो 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 हेलो, व्हाट आर यू डूइंग?
क्या पीच आइस टी डाल दिया उसने चम्मच क्या डाल दिया इतनी जल्दी तू कर क्या रही है क्या किया चम्मच क्यों डाल रही है अंदर मेरे घर में चम्मच खत्म हो गए थे यार इसलिए तू पागल है क्या अभी किसी बगल वाले के टेबल पे जाना और उससे नॉर्मली बात करना वहां से आप कैसे उठाते हो उसको पता नहीं चलना चाहिए कि आपने चम्मच उठाया किसी ने नहीं देखा किसी ने नहीं देखा तो वो प्लीज चम्मच निकाल बैग से अरे बट यहां पे चम्मच नहीं खाएंगे कैसे बैग से निकाल वो यार वो चम्मच निकाल तू ब्लैब तू हाय एक्चुअली मेरे टेबल पे कुछ चम्मच नहीं है एंड वेटर आ नहीं रहा है तो मैं एक चम्मच ले लूँ एक्चुअली हम दो हैं तो मैं दो ले लूँ एक्सक्यूज मी आपने इनके टेबल पे चम्मच नहीं रखे प्लीज देखिए और बोलना मेरे टेबल पे भी नहीं रखे मेरे वो टेबल पे भी नहीं रखे कहाँ बोल ए येडी किधर जा रही है ए येडी बहुत शाड़ी बनती है क्या बहुत शाड़ी बन रही है क्या फोड़ डालूंगी तुझे देख मैं फोड़ डालूंगी अगर मुझे गुस्सा आ गया तो क्या कर रही है तू क्या गुंडी क्यों बन रही है ना अचानक से मुझे ना हेडेक शुरू हो गया है ये बहुत अच्छी एक्ट्रेस है दो मिनट में रिएक्ट कर रही बोलना पता नहीं मुझे कुछ माइग्रेन हो रहा है कुछ अमृत ज्यादा दर्द शुरू हो गया एकदम से बहुत तेज दर्द हो रहा है यार सर में अचानक हैव सम वाटर अभी अचानक से आवाज निकल रहा है हैव सम वाटर बाबा यू फील बेटर अब और जोर से करना अभी इतनी जोर से करना कि आजू बाजू में सबकी फट जाए अमृत बोला सॉरी यार मुझे बहुत दूर से दर्द होता है कभी कभी सॉरी कभी कभी बहुत यू नो माय माइग्रेन अब कभी भी आ जाता है बोलना कि एक्चुअली क्या है कि तेरे से कुछ मुझे गंदी एनर्जीज मिल रही है कुछ ब्लैक मैजिक टाइप का उस वजह से मुझे सर दर्द हो रहा है लास्ट टाइम टू गेट यू सम आई जस्ट रियलाइज देखो याद है एक साल पहले मैं वो बाबा बंगाली के पास गई थी बाबा बंगाली तो मुझे कुछ बताया है सो ही हैड टोल्ड मी कि जब भी मेरे आसपास कुछ नेगेटिव एनर्जी होगी तो एकदम से दिस पियर्सिंग पेन विल कम आसपास कल किसके साथ थी शाम के साथ तो उसमें बहुत नेगेटिव एनर्जीज है यार मतलब मेरे अंदर कुछ है यू वांट टू से दैट कुछ शशांक के साथ हां थी सो व्हाई आर यू मेकिंग इट अ बिग इशू शशांक इज नॉट राइट फॉर यू उसने तेरे अंदर कुछ नेगेटिव एनर्जी डाली है मतलब शशांक जाता था ऐसे लोगों के पास वो आई डोंट नो क्या वो वुडू मैजिक करते हैं ये लोग आर यू सीरियस राइट नाउ मैंने उसके पर्स में सुअर का बाल भी देखा था मैंने शशांक के पर्स में सुअर का बाल देखा था I swear I'm not kidding. All right, congratulations, Amrit. You just won 10,000 rupees. यार इसके साथ सेकंड राउंड पे चलते हैं। सेकंड राउंड पे करते हैं। कुछ सोचा है कि क्या करना चाहिए? सेकंड राउंड मैं क्या सोच रहा हूँ कि अभी इसको पूरा साइक कर दिया है। ओके। डेजा वो होता है ना? एक ही चीज बार बार जो बार बार होती है आपको लगता है कि वो टास्क देते हैं क्योंकि अब इसको लग रहा है कि इसके अंदर कुछ है ऑलराइट तो जो चीज बार बार होगी उसको हम दिखाएंगे कि पहली बार ही हो रही है तो उसको साइक कर देंगे तो बी वंडरफुल पागल हो जाएगी फैंटास्टिक सुपर और ये लड़की बहुत माइंड ब्लोइंग भी कर लेगी इसको ऑलराइट एक्टर्स पोजीशन प्लीज एनीवे कमिंग बैक टू द पूल पार्टी अच्छा अमृत सुनो तुम्हें डेजा वो पता है ना अब इसको ऐसा साइक करना है जैसे कि अभी तुमको कहना है वेटर को कि तुम्हें भूख लग रही है ठीक है वेटर को बुलाना बोले ए टकले इधर आ फिर बोलना सॉरी मुंह से निकल गया अच्छा ठीक हो गया लेट्स ऑर्डर वी विल डू दिस बोले ए टकले इधर आ ए टकले इधर आ यस मैम सॉरी नो 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 इट्स एब्सोल्युटली ओके आई मीन आई हैव अ मटन बर्गर यू मस्ट ट्राई द चिकन बर्गर इट्स ब्रिलियंट एब्सोल्युटली ब्रिलियंट Try. Okay, get me the chicken burger. Yeah. I'll have pizza, cheese. Pizza, also the chicken burger and the pizza, right? Haan, and one Coke as well. And अब जाना टकले यहाँ से, भाग। जाना टकले।
घर तक छोड़ने आएगा आपको. अब तुम्हें सेम चीज रिपीट करनी है. ओके सेम चीज रिपीट करनी है लेकिन उसको ऐसा लगना चाहिए कि एक ही बार हुआ है. ये टकले इधर है ना. सॉरी यार ऐसे नहीं करना. एब्सोल्युटली एक मटन बर्गर. मैम यू हैव टू ट्राई द चिकन बर्गर. ब्रिलियंट. ओके चिकन बर्गर. क्या खाओगे तुम? हम लोगों ने अभी ऑर्डर किया था खाना. No ma'am, I've just come. You've just ordered, right? I just started my shift, ma'am. I mean, I would have loved to serve you, but unfortunately, I wasn't. We were checking out your lehenga, bhulgi. Okay, one cheeseburger pizza. And fresh lime soda, two. Okay, extra cheese? Chalna takle paka mat, chal. Ab Amrit, same thing tumko wapas karna hai. Ye takle idhar hai na? Look at her expression. Look at her. Can I have a mutton burger? हाँ अब आप बोलेंगे कि आपके पास मटन बर्गर नहीं है. You should try chicken burger. Ma'am, but I've just come. I've just come. In fact, my shift has just started. I mean, I would have loved to serve you, but unfortunately, I've just come in. Is this for real right now? अभी तो बुलाया यार इस बेचारे को. यार हमें लेकिन दो बार ऑर्डर दे चुके हैं इसके पहले. No, ma'am, but I've just come. In fact. In fact, I've just ironed my shirt and come. So I mean, I think तो बहुत ज़्यादा lost है अपनी party dresses ना. Ma'am, can I take your order? Yeah. So, चलना. चल चल चल. ठीक है. Okay. Fine. So, can I have a mutton burger? Ma'am, you have to try the chicken burger. Brilliant. Look at her. Yeah. Okay. I'll have the chicken burger. Yeah. Okay. And what about you, ma'am? I don't want. Ma'am, no, I'm telling you, try the cheese burst pizza. Superb. And I'll put double cheese for you. Wow. See, किसका कमाल है. Extra layer. अब चलना टकले भाग यहाँ से. चलना टकले भाग लिया. परफेक्ट माइंड ब्लिंग. ऑल राइट कंग्रेचुलेशंस यू जस्ट वन अ मोबाइल फोन. ऑलराइट सुकृष्णा. हाँ अब राउंड 3 के बारे में बात करता हूँ. राउंड 3 इज वेरी इंटरेस्टिंग जहाँ पर हम आर्टिस्ट को मौका देते कि वो फील्ड पर जाए. मैं तो मैंने बोला ना मुझे अंदर से वो प्रैंक आ रहा है. प्रैंक आ रहा है. मुझे भेजो यार मुझे बहुत एक्साइटेड. सो कुछ नहीं करना है जाना है और उनकी लाइफ और थोड़ी डिफिकल्ट करनी है. मतलब और नहीं मैं इतनी डिफिकल्ट कर दूंगा ये मेरा प्रॉमिस है. ऑलराइट सुकृष्णा इज रेडी सो लेट्स गो फॉर राउंड 3 एंड दैट इज 440 वोल्ट का किक. ऑल द बेस्ट. थैंक यू जय. नाइस यार. Wow. It's a nice place. You have huge space here. So this is the sitting lounge. Oh, he's here. अच्छा ये पूरा sitting area यहाँ पर होगा. यहाँ वो party होगी, I guess. And this is the place we are planning to keep the. ओरे वाह. Nice यार. ये अच्छा आप लोगों ने poster बनाया. She'll be very happy to see this. We are so happy that you like this. अरे यार. ये जो side वाला तो perfect है. ये थोड़ा सा अगर ये और ये अगर हटवा देंगे ना. This and this one. तो थोड़ा सा. So you're planning मतलब music, music dance? No issues, no. So sir कुछ papers sign करने थे. बहुत बढ़िया मुझे बहुत अच्छा लगा. Especially the poster. All right. After Krishna leaves, you have to make a story. You have to confess that life में मैंने एक बार Krishna से social media में flirt किया था. We were chatting. जब नया नया social media आया तो not all celebrities had their accounts on social media. I saw Krishna Abhishek. On that thing and I didn't know कि वो सच है या झूठ. तो मैंने ऐसे ही चैट कर लिया उससे. उसी टाइम मुझे उससे प्यार हो गया था. सॉरी ही इज मैरिड. उसके बाद हुई ना उसकी शादी हुई तो उसके बाद ही गॉट मैरिड टू कश्मीर. आई डोंट नो व्हाई. ऑलराइट योर नेक्स्ट टास्क इज इफ यू हैव अ लिपस्टिक इन योर बैग टेक दैट लिपस्टिक और कश्मीरा के फेस पे ड्राइंग करना शुरू कर दो. तुम्हारी शादी हो रही है एक हफ्ते में. यू नो दैट राइट. तो ये क्या है अभी अभी एकदम अचानक से. अच्छा ठीक है ना भूल जाओ. चल मैं पागल हो क्या यार. वो अभी पोस्टर लगा के गया यहाँ से. यार तुम क्या हो. तो
क्या हुआ? तुम रिएक्ट कर रही है? थैंक्स। और इस पर। अरे? दूसरी तरफ देखेगी तो वो आएगा ही ना इधर। लिसन, ये क्या किया? I have no idea because 15 minutes before we came and I have no idea. I'm serious. Excuse me. ये आपने देखा यहाँ पर? ये किसने किया है पोस्टर? नहीं देखा मतलब क्या है यार? What is this? मतलब एक तो हम लोग यहाँ पर आते ही नहीं है। मैं I'm seriously telling you कि एक तो मुझे कोई बुकिंग नहीं करनी थी। मैंने स्पेशली आपका रेस्टोरेंट देख के मैंने बुक करवाया एंड ये आप लोग कर रहे हैं। I'll check the CCTV and come back. आप लोग अगर मतलब अभी से ऐसा करेंगे तो शाम को मेरे सारे गेस्ट आएंगे तो हम कैसे सब लोगों को प्लीज सर डोंट गेट पैनिक। I'll just check and come back. I'll check. You check your CCTV camera यार। Yes sir, please. साला this is the way आप एक्टर लोगों के साथ आप लोग बिहेव करते हैं। I'm sorry sir, I'm coming back sir. What sorry? You check your camera man. ब्लेम करो कि ये तुम्हारी फ्रेंड ने किया है। आप लोगों ने देखा ये किसने किया है यहाँ पे? ये इशू आप लोगों ने किया? आशू हेलो। ऑलराइट अमृत, अगर तुम्हें ये राउंड जीतना है तो तुम्हें अमृता को कन्विंस करना पड़ेगा कि वो सॉरी बोले कृष्णा को। आई विल कॉल यू बैक। प्लीज आई डोंट। ये कैसे किया मैम आपने? हां कैसे किया? ये कोई ढंग है आपका? What sorry? Sorry वाली नहीं सुनना हमको। What sorry? मेरी पार्टी है, मेरी एनिवर्सरी आज शाम को यार। आपने पूरा पोस्टर ही बिगाड़ दिया वहां पे। And you're crying? ये कोई मुझे बात बताइए, मजाक है? ये पब्लिक के बीच में आप मजाक कर रहे हैं हमारे साथ में? No no कोई sorry वाली नहीं है मैम। क्या? Just don't ever talk to me. I'm telling you. What? Listen to me. You sit here. आप बैठिए यहाँ पे। आप उठ के कहाँ पर जा रहे हो? I'll call the police now. आप लोगों की छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है आप लोग इन्फॉर्म करते हैं ना पुलिस को। I'll take you to the police. ये इन्होंने किया है आप लोगों ने देखा? Please just call sit there. What is it यार? What is it? क्यों किया आपने ऐसा? नहीं मुझे बताइए क्या रीजन है करने का? आप मुझे जानती हैं? I'm sorry. आप हमारी दोस्त हैं? Sorry, I didn't do it. आप क्या हमारी दोस्त हैं क्या? ऐसे बिहेव करने के लिए? आप लोगों की वजह से ना एक्टर लोग इसलिए पब्लिक प्लेसेस पे जाते नहीं है। सर मैंने कुछ नहीं किया है। क्यों क्या कुछ नहीं किया? ये बोल रही है आपने किया है और आप सॉरी बोल रही हैं उसके जाने की कोशिश कर रही हैं आप। मैंने कुछ नहीं किया, जेन्युइनली इसने किया है। हम लोग डोंट टॉक टू मी प्लीज। और इधर चुपचाप बैठे हैं आप लोग, कुछ बोल भी नहीं रहे। दिस इज द वे यार बिहेव करने का लोगों के साथ में। प्लीज यू लुक प्लीज जस्ट गेट इट डन। इफ शी लीव्स यू लूज द गेम अमृत। इफ शी लीव्स ओके से बेटा हमसे नहीं हो पाएगा। यू कांट डू इट। आई एम सॉरी बेटा हमसे नहीं हो पाएगा। अमृता लिसन। कृष्णा गो 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 गेट अ बैग। अरे कुछ ज्यादा हो गया। अरे मेरा कुछ नहीं है, सब भाई साहब का इधर। सो आई जस्ट वांट टू से वन थिंग दैट यू आर इन अ हिडन कैमरा प्रैंक रियलिटी शो कॉल्ड हमसे ना हो पाएगा एंड यू जस्ट गॉट प्रैंक्ड एंड योर फ्रेंड वन 10,000 रुपीज एंड अ मोबाइल फोन। अगर आपने टाइम पे बोल दिया होता था सॉरी तो ऑल एक्सपेंसेस पेड ट्रिप मिलता था अमृत को। थैंक यू सो मच अमृत फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच कृष्णा। थैंक यू जय। थैंक यू यार, ये मुझे प्रैंक करने बहुत मजा आ रहा है, मुझे फिर से बुलाना। 101%। थैंक यू। अमृत तो सारे टास्क कंप्लीट नहीं कर पाए लेकिन प्रैंक्स और भी है और प्राइजेस उससे भी डबल है। जानना सिर्फ ये है कि कौन होगा हमारा अगला प्रैंकस्टर और कौन कहेगा कि बेटा हमसे ना हो पाएगा। दिस इज जय भानुशाली साइनिंग ऑफ। सी यू नेक्स्ट वीक।